तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ हिकविजन कंपनी का जो DVR होता है उसके अंदर जो स्क्रीन की रेजुलेशन होती है उसको आप कैसे सेट करोगे। जैसे बहुत बार क्या होता है कि आपने छोटा टीवी लगा रखा था मॉनिटर, उसमें आप उसको चला रहे होते होते स्क्रीन की जो साइज है, जो रेजुलेशन है, वो कम हो जाती है, और जब आप उसे किसी बड़े टीवी में लगा रहे हो तो वो बहुत ज्यादा ब्लरिंग आपको दिखता है, पूरा क्लियर दिख नहीं पाता है। तो उस समय आप उसके रेजुलेशन को इंक्रीज कैसे करोगे, बढ़ाओगे कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको बड़े स्क्रीन पे आपको लेना हो आउटपुट तो आप किस तरह से स्क्रीन के रेजुलेशन को बढ़ा के बहुत क्लियर फुटेज को देख पाएंगे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल टेक स्पायरो। तो दोस्तों, रेजुलेशन सेट करने के लिए आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके यहाँ पासवर्ड आपसे मांगेगा, पैटर्न और पासवर्ड जो भी आपने सेट कर रखा है वो आप डाल दीजिएगा। डालने के बाद देखिए यहाँ सेकंड लास्ट में आपको कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आप क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा देखिए यहाँ पे रेजुलेशन नाम का सेटिंग यही देखने मिल जाएगा आपको। सिस्टम के अंदर जनरल सेटिंग के अंदर आपको मिल जाता है रेजुलेशन। तो ये जो रेजुलेशन है यही है दोस्तों डिस्प्ले रेजुलेशन। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अभी सबसे कम रेजुलेशन के अंदर ये चल रहा है। तो इसके अंदर आपको HD और फुल HD दोनों मिल जाएगा, 19:20x1080 भी आपको मिल जा रहा है। मैं इसे 1280x720 पे सेट करता हूँ। सिलेक्ट करेंगे, अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद दोस्तों एक मैसेज आएगा, इस मैसेज को आपको ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे यहाँ पे रेजुलेशन जो है हमारा वो चेंज हो चुका है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे 1280x720 हो चुका है अभी जो हमारा रेजुलेशन है। रेजुलेशन चेंज करने से दोस्तों बेसिकली फायदा ये हो जाता है कि जो क्वालिटी है, जो कैमरे की क्वालिटी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे काफी लाजवाब अभी क्वालिटी दिख रही है। आप जितना ज्यादा यहाँ पे रेजुलेशन को हायर करेंगे जो वीडियो की क्वालिटी है वो उतनी इनहेंस आपको दिखेगी। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे काफी अच्छा वीडियो का क्वालिटी मुझे देखने को मिल रहा है। तो चलिए एक बार फिर से इसे नॉर्मल मैं कर दे रहा हूँ 1024 पे। तो देखिये मैंने 1024 पे करके अप्लाई किया। अगेन थोड़ा सा वेट करेंगे, मैसेज आएगा और मैसेज को आप ओके कर सकते हैं। अगर नहीं करेंगे तो फिर से ये उसी जगह पे चला जाएगा 10-15 सेकंड के बाद। इसको ओके करेंगे तो अब देखिये जो पिक्चर की क्वालिटी और जो उस समय थी थोड़ी सी दोस्तों यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो इसी तरह से आप राइट क्लिक करके कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, सिस्टम के अंदर, जनरल सेटिंग के अंदर आपको रेजुलेशन नाम का ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ से आप स्क्रीन की रेजुलेशन को एडजस्ट कर पाएंगे बहुत इजीली। तो दोस्तों आपने देखा कि रेजुलेशन को बढ़ा के कैसे क्लियर इमेज को लिया जा सकता है। मेरे पास छोटा टीवी था इसलिए मैंने आपको इसमें बताया। आप बड़े टीवी के अंदर भी अप्लाई करके देखेंगे और जो डिफरेंस है वो आपको काफी अच्छे से समझ में आएंगे। और दोस्तों अगर आपको हिकविजन DVR के अंदर और भी कोई इंक्वायरी है तो आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट बना के डाल दिया अपने चैनल पे, आप उसे चेकआउट कर लीजिएगा। इसके अलावा कोई डाउट्स हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा बहुत जल्द उस पर जवाब देने का। और इसी तरह के वीडियोस को आगे भी देखते रहने के लिए अभी इसी वक्त हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें ताकि मेरे सभी वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन पहुंच सके आप तक सबसे पहले। और हाँ दोस्तों, जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।